Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session we will discuss about solubility order. Inorganic chemistry में solubility order का question बहुत ही important question है. ये बहुत से competitive exams में solubility order का question आता है और इसमें बहुत बार हम confuse करके गलत answer कर देते हैं. तो solubility order को समझने के लिए हम एक trick use करेंगे. सबसे पहले तो हम देखते हैं solubility order के अंदर हम क्या क्या terms use करते हैं. So one is hydration energy और अनदर वन इज लैटिस एनर्जी. सो अगर हाइड्रेशन एनर्जी का अमाउंट ज़्यादा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी लैटिस एनर्जी से, तो कंपाउंड क्या होगा? सॉल्युबल होगा. अब जो हाइड्रेशन एनर्जी है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटायन प्लस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ एनायन. और जो लैटिस एनर्जी है that is directly proportional to inverse of R positive plus R negative. So यहाँ से हम क्या conclude करते हैं कि hydration energy भी inversely proportional है size के of cation and anion और lattice energy भी inversely proportional है size के. So कोई भी period है या कोई भी group है उसमें हमारे लिए बहुत tough हो जाता है इन दोनों को compare कर पाना कि कौन सा ज़्यादा जल्दी decrease करेगा, कौन सा कम decrease करेगा. सो हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी की ट्रिक को ना यूज़ करके हम क्या यूज़ करेंगे? एक डिफरेंट ट्रिक यूज़ करते हैं जिससे कि हमें आंसर मिल जाए. और वो ट्रिक क्या है कि रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन इन दोनों के बीच में जितना ज़्यादा साइज का डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी. मतलब हम ये लगा सकते हैं कि डिफरेंस इन साइज जितना मैक्सिमम होगा उतनी ही मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होगी. क्लियर? तो कैटायन और एनायन, स्मॉल कैटायन और लार्ज एनायन है, वहाँ पे कैसा साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है सो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी. सो ये जो ट्रिक है उसको हम यूज़ करेंगे फॉर सॉल्युबिलिटी ऑर्डर. अब इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे. क्लियर? इसके लिए एक सिंपल जो टर्म है वो और मालूम होनी चाहिए कि स्मॉलर एनायन कौन कौन से हैं, एनायंस के साइज किसके स्मॉल होंगे. तो स्मॉलर हैं फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड और ओ टू नेगेटिव ऑक्साइड. और अगर लार्ज एनायन की बात करें, लार्जर एनायन, सो उसमें कौन कौन से आएंगे? सल्फेट, आयोडाइड, कार्बोनेट, HCO3 नेगेटिव, ऑक्सलेट, क्रोमेट, परक्लोरेट. ये कुछ एनायन हैं जो लार्ज साइज के हैं. तो इनको हम रफली माइंड में रखेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड है. और नेक्स्ट है लिथियम आयोडाइड. सेकंड क्वेश्चन इज लिथियम आयोडाइड, NaI, KI, RbI, CsI. यहाँ पे हमें क्या बताना है? सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताना है. सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर के लिए क्या करेंगे? साइज चेक करेंगे. सभी क्या है यहाँ पे, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे कि एनायन सब में सेम है. तो कैटायन का साइज देखते हैं. लिथियम प्लस, Na पॉजिटिव, के पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव. टॉप टू बॉटम साइज क्या करता है? इंक्रीज. फ्लोराइड का साइज क्या है? स्मॉल है. तो हम क्या लिखते हैं? टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज किया. मतलब स्मॉल साइज को हमने टॉप पे लिखा और लार्ज साइज को बॉटम पे लिखा. फ्लोराइड का साइज कैसा है? छोटा है. अभी हमने देखा है स्मॉलर एनायन में आता है, तो फ्लोराइड को हम क्या लिखेंगे? ऊपर लिख लेते हैं. क्लियर? अब साइज का डिफरेंस देखते हैं. लिथियम, सॉरी, सीजियम और फ्लोरीन का जो साइज डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है. तो जितना ज़्यादा साइज डिफरेंस उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी. सो सॉल्युबिलिटी का जो ऑर्डर क्या आएगा? सॉल्युबिलिटी ऑर्डर विल बी सीजियम फ्लोराइड की सबसे ज़्यादा, फॉलोड बाय RbF, KF, NaF, LIF. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर लगाना है। तो पहले साइज का ऑर्डर लगा लेते हैं, लिथियम प्लस, एन ए प्लस, के प्लस, आर बी प्लस, सीजियम प्लस। अब देखते हैं टॉप टू बॉटम साइज क्या करता है, इंक्रीज। सो साइज यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। क्लियर। अब आयोडाइड की जगह प्लेस करनी है हमें, टॉप टू बॉटम। जो स्मॉल साइज का एनायन है, स्मॉल साइज का कैटायन, उसको हम कहाँ रखते हैं, टॉप पे रखते हैं, और जो बड़े साइज का उसको बॉटम पे रखेंगे। आयोडाइड कौन सी कैटेगरी में था, लार्जर एनायन की कैटेगरी में था, आयोडाइड को रखेंगे यहाँ बॉटम पे। सो साइज का डिफरेंस किसका सबसे ज्यादा होगा, लिथियम और आयोडाइड का। साइज डिफरेंस जितना ज्यादा उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी। सो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर विल बी इक्वल टू लिथियम आयोडाइड सबसे ज्यादा, एन ए एफ के, लिथियम आयोडाइड सबसे ज्यादा, उसके बाद एन ए आई, ये फ्लोराइड नहीं आएगा यहाँ पे, आयोडाइड आएगा। सो दिस विल बी एन ए आई, के आई, आर बी आई, सीसीएम आई। क्लियर। सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड। इसमें हमें क्या देखना है, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर देखना है। सेम हम चेक करेंगे, किस तरह से चेक करेंगे, सबसे पहले साइज देखते हैं, बेरिलियम 2 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, स्ट्रॉन्शियम 2 प्लस और बेरियम 2 प्लस। स्मॉल साइज का कैटायन है, सॉरी यहाँ पे जो कैटायन है उनका हमने साइज लिख लिया है, टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। अब एनायन ऑक्साइड है, ऑक्साइड क्या है, स्मॉल साइज का, तो ऑक्साइड को लिखेंगे टॉप पे, डिफरेंस कहाँ आ गया, बेरियम और जो ऑक्सीजन है उसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस हो गया। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर विल बी इक्वल टू बेरियम ऑक्साइड की सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड। इसमें भी हमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर लगाना है। इसको कैसे लगाएंगे, सबसे पहले जो कैटायन है उनको साइज के ऑर्डर में लिख लेते हैं, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, के प्लस, आर बी प्लस, सीजियम प्लस, टॉप टू बॉटम साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। मतलब सीजियम का साइज सबसे बड़ा है, लिथियम का साइज सबसे छोटा है। OH नेगेटिव, OH नेगेटिव क्या है, स्मॉल साइज के एनायन है, इसलिए हम उसको टॉप पे रखेंगे। साइज डिफरेंस इसमें सबसे ज्यादा होगा सीजियम और हाइड्रोक्साइड में। सो यहाँ पे क्या है, जितना ज्यादा साइज डिफरेंस उतना ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, सीजियम हाइड्रोक्साइड, फॉलोड बाय रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, फॉलोड बाय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी हमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर लगाना है, बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर लगाना है, उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले जो भी कैटायन है उसको अरेंज करते हैं साइज के ऑर्डर में। सो बेरियम, बेरिलियम 2 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, स्ट्रॉन्शियम 2 प्लस और बेरियम 2 प्लस। नाउ जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो यहाँ पे साइज इंक्रीज हुआ, सबसे बड़ा साइज किसका हो गया, बेरियम 2 पॉजिटिव का, सबसे स्मॉल साइज किसका हो गया, बेरिलियम 2 पॉजिटिव का। नाउ जो एनायन है वो क्या है, सल्फेट, सल्फेट हमने देखा था लार्जर एनायन है, तो सल्फेट को हम क्या लिखेंगे, बॉटम के ऊपर लिखेंगे। सो अब देखेंगे स्मॉल और लार्ज का कॉम्बिनेशन, दिस इज द डिफरेंस
बेरिलियम स्मॉल हो गया, सल्फेट क्या हो गया, लार्ज हो गया। लार्ज और स्मॉल का कॉम्बिनेशन देखना है, उसमें सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। सो सॉल्युबिलिटी का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, बेरिलियम सल्फेट, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट, उसके बाद कैल्शियम सल्फेट, उसके बाद स्ट्रोंशियम सल्फेट, उसके बाद बेरियम सल्फेट। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सल्फेट लार्जर साइज है उसको बॉटम पे रखेंगे, बेरिलियम और सल्फेट के अंदर क्या है साइज डिफरेंस ज़्यादा है, एक बेरिलियम स्मॉल साइज है, सल्फेट लार्ज साइज है। सो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर हम इस तरह से अरेंज करेंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट। इसमें हमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर लगाना है। पहले साइज देख लेते हैं, बेरिलियम 2 प्लस का साइज सबसे स्मॉल होगा, बेरियम 2 प्लस का साइज सबसे ज्यादा होगा। कार्बोनेट क्या है, लार्ज साइज एनायन है, सो इसका साइज यहाँ पे हम लिख देते हैं बॉटम पे, साइज डिफरेंस किसमें ज्यादा होगा, बेरिलियम और कार्बोनेट के अंदर। सो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर विल बी बेरिलियम कार्बोनेट सबसे ज्यादा, मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉलोड बाय कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट एंड बेरियम कार्बोनेट। दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे हमने सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी देखी थी, सेम ऐसे ही कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी देखेंगे। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको हम कैसे देखते हैं, क्वेश्चन है कि लिथियम 2 कार्बोनेट Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 और Cesium2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दोनों क्वेश्चन को एक साथ डिस्कस करेंगे। दोनों क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम कॉन्सेप्ट है, LiSCO3, NaHCO3, KHCO3, RbHCO3, CesiumHCO3। ठीक है, इन दोनों में सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर लगाना है। सो पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, दो कैटायन है और एक एनायन है। सो जब भी ऐसा केस हो, दो कैटायन को हम क्या मान सकते हैं कि दो सेम साइज, जैसे लिथियम है स्मॉल साइज का है, तो दोनों लिथियम मिलके क्या बना लेंगे, एक बड़ा कैटायन बना लेंगे। सो लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, रुबिडियम पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव। अगर कार्बोनेट का साइज रखें, कार्बोनेट का साइज क्या होगा, नॉर्मली कार्बोनेट का साइज क्या है, यहाँ पे आएगा लार्ज साइज है ना। अब हम ऑर्डर देखते हैं, अगर टू लिथियम है तो दोनों लिथियम मिलके एक लार्ज साइज का कैटायन बना लेंगे, और उसका साइज क्या होगा, उसका जो दो लिथियम होंगे उनका और कार्बोनेट के साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर दो सीजियम मिलके बड़ा साइज, सीजियम का ऑलरेडी साइज बहुत बड़ा है, और दो सीजियम अगर कंबाइन करेंगे, मतलब दो सीजियम को हम काउंट करेंगे, तो बहुत बड़ा साइज का कैटायन बन जाएगा। तो सीजियम और कार्बोनेट के बीच में साइज का डिफरेंस सबसे ज्यादा आएगा। तो सॉल्युबिलिटी किसके सबसे ज्यादा होगी, सीजियम कार्बोनेट, CeCS2CO3 की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय Rb2CO3, K2CO3, Na2CO3, Li2CO3। क्लियर? तो जब भी दो कैटायंस होंगे, तो दो कैटायंस में हम क्या करेंगे, उनको कंबाइन करके उनको एक लार्ज कैटायन के इक्वल मान लेंगे। तो जैसे ये केस था, अभी इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। दो लिथियम है स्मॉल साइज के, दोनों लिथियम ने लार्ज साइज का कैटायन बना दिया, कार्बोनेट का साइज बड़ा है इसलिए हमने यहाँ रख दिए। नाउ दो सीजियम ने तो बहुत बड़े कैटायन बना दिया दोनों सीजियम कंबाइन करके, तो यहाँ पे लिथियम, सीजियम और कार्बोनेट के बीच में सबसे ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, इसी वजह से हमने सॉल्युबिलिटी का ये ऑर्डर लिखा है। इसमें भी सेम केस है, हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फिर है हाइड्रोजन, फिर है कार्बोनेट। सो कार्बोनेट का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए कार्बोनेट को हमने बॉटम पे रखा। ना दो लिथियम है, तो एक लिथियम और एक हाइड्रोजन, वैसे लिथियम का साइज स्मॉल है,
एक लिथियम और एक हाइड्रोजन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया है, एक कटायन बना लिया। एक लिथियम प्लस एक हाइड्रोजन को हम एक कटायन मान लेते हैं, सो उसका साइज क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। सो लिथियम और हाइड्रोजन को हम यहाँ लिख लेते हैं। और सिमिलरली जो सीसीएम और हाइड्रोजन का होगा वो तो बहुत बड़े साइज का कटायन बनेगा, सो डिफरेंस किस में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। इसी वजह से जो सॉल्युबिलिटी का जो ऑर्डर होगा दैट विल बी CsCO3, CsHCO3 ये सबसे ज़्यादा, RbSCO3 सेकेंड, KHCO3 थर्ड, NaHCO3 फोर्थ, LiHCO3। सो ये कुछ ट्रिक्स हैं, इन ट्रिक्स से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी को लर्न कर सकते हैं। सो ये दोनों जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अगर हम नॉर्मल रूल लगाएंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें कैटायन का देखना है, ठीक है। कैटायन कैटायन कंबाइन करके बड़ा कैटायन और छोटा कैटायन इस तरह से हमें कंपेयर करना है एनायन के साइज से। जैसे अभी हमने दो कैटायन का कॉन्सेप्ट देखा है, सेम ऐसे ही दो एनायन का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है BeF2 MgF2 CaF2 SrF2 BaF2, इसमें हमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर लगाना है। सबसे पहले कैटायन का साइज देख लेते हैं, कैटायन का साइज क्या है, बेरियम 2 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, स्ट्रॉन्शियम 2 प्लस, बेरियम 2 प्लस, क्लियर। एनायन क्या है, दो एनायन है, वैसे फ्लोराइड क्या है, स्मॉल एनायन है, लेकिन दो फ्लोराइड मिल गए हैं तो हम उसको एक लार्ज एनायन मान लेते हैं। लार्ज एनायन होंगे तो उसकी प्लेसमेंट कहाँ होगी, यहाँ पे हो जाएगी टू फ्लोराइड, क्लियर, बॉटम की तरफ। सो गैप कहाँ ज्यादा होगा, बेरिलियम और फ्लोराइड के अंदर गैप ज्यादा होगा, सो सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, बेरिलियम फ्लोराइड की। सो BeF2 सबसे ज्यादा सॉल्युबल, फॉलोड बाय MgF2, CaF2, SrF2 और BaF2। ना कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं जो हम अभी जो ट्रिक यूज किए हैं जो उसको फॉलो नहीं करते हैं। सो एक है लिथियम क्लोराइड और KCl, इन दोनों में किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, लिथियम क्लोराइड, दिस इज हाईली सॉल्युबल। सो दिस इज द एक्सेप्शन, और KCl क्या है, लीस्ट सॉल्युबल, क्लियर। नेक्स्ट है सेकेंड ग्रुप के जो हाइड्रोक्साइड, जैसे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। सो यहाँ पे अगर हम अपनी जो ट्रिक निकाली है उसको लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे आंसर गलत हो जाएगा। सो इसका क्या, ये क्या है, एक्सेप्शन में हम इसको काउंट करके इसको ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, होना क्या चाहिए हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा सॉल्युबल होना चाहिए, बट होता क्या है, दिस इज लीस्ट सॉल्युबल, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर हो गया इस तरह से। इसको हम बोन लेंथ के कंपैरेटिवली देख सकते हैं, बेरिलियम, इसके लिए नया कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि बेरिलियम से जब बेरियम तक जाएंगे साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो क्या होगा, बेरियम और OH के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, सो उसको डिसोशिएट करना इजी हो जाएगा, OH क्या है, जल्दी रिलीज हो जाएगा। सो इस तरह से हम साइज के रिस्पेक्ट में, बॉन्ड लेंथ के रिस्पेक्ट में इसको समझ सकते हैं, बट जो कॉन्सेप्ट हमने, जो ट्रिक हमने लगाई है उस ट्रिक से इसका आंसर गलत हो जाएगा। सो इसलिए दो एक्सेप्शन है, इनको हमें ध्यान रखना है।